Well, my father once told me. Nobody cares what your father once told you. गजब बेइज्जती है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सुबह का टाइम रहता है और हाउंड सो रहा रहता है। तभी आर्या एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और हाउंड के पास जाती है, पर हाउंड उसको देख लेता है और उसे कहता है कि अगर मारना है तो एक बार में मुझे मार डालना, लेकिन अगर मैं बच गया तो तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगा। तो ये सुन के आर्या बहुत ज्यादा डर जाती है और वो पत्थर रख देती है, क्योंकि उसे अपने आप पे भरोसा हो या ना हो, उसे हाउंड पे पूरा भरोसा है कि अगर ये कमीना जिंदा बच गया तो फिर मैं नहीं बच पाऊंगी। और तो और, क्योंकि भाई बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। और इसके बाद वो दोनों लॉर्ड फ्रे के पास उसके मामा की शादी के लिए निकल जाते हैं। युंकाई के बाद डेनेरिस अपना पड़ाव डाल चुकी है और वो यहाँ देखती है कि युंकाई ने अपनी मदद के लिए द सेकंड सन्स नाम की एक आर्मी को बुलवाया है और ये लोग 2000 की संख्या में हैं। द सेकंड सन्स मर्सेनरी रहते हैं और ये लोग सिर्फ सोने के लिए, बोले तो सिर्फ पैसों के लिए लड़ते हैं। डेनेरिस सेकंड सन के लीडर को मिलने के लिए बुलवाती है। सेकंड सन्स को तीन लोग मिलकर चलाते हैं और वो तीनों डेनेरिस से मिलने आते हैं। उनका मेन लीडर बहुत ही बदतमीजी से डेनेरिस से बात करता है और उन तीनों में से एक आदमी जिसका नाम डारियो नहारिस रहता है, वो पहली बार में ही डेनेरिस को देख के लट्टू हो जाता है। डेनेरिस और सेकंड सन्स की मुलाकात कुछ खास नहीं रहती और उनके जाने के बाद डेनेरिस सर बैरिस्टन से कहती है कि अगर हमारी लड़ाई हो तो सबसे पहले आप इनके कमीने लीडर की गर्दन उड़ा देना। थोड़ी देर बाद सेकंड सन्स के लीडर हमले का प्लान बना रहे होते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि उनमें से कोई एक रात को जाके डेनेरिस को मार देगा और वो इसके लिए टॉस करते हैं जिसमें डारियो जीत जाता है। रात के वक्त डारियो अनसलीट आर्मी की ड्रेस में एक झोला लेके डेनेरिस के पास जाता है और उस टाइम डेनेरिस नहा रही होती है और उसके साथ मिसेंडे भी रहती है। डारियो चुपके से उसके बाथरूम में घुस जाता है और उसको बताता है कि मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा गया था, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था और इसलिए मैंने अपने ही साथियों को मार दिया है। और ये कहते हुए वो डेनेरिस के सामने अपने बाकी दो साथियों की मुंडी रख देता है। अब डारियो का अपने प्रति समर्पण देख के डेनेरिस उससे इम्प्रेस हो जाती है और डारियो और पूरे सेकंड सन्स डेनेरिस के हो जाते हैं, बोले तो डारियो और उसके 2000 बाकी साथी डेनेरिस की आर्मी में आ जाते हैं। वहीं रेड वुमन गेंड्री के साथ ड्रैगन स्टोन पहुंच जाती है और उसको सीधा स्टेनिस के पास ले जाती है। स्टेनिस गेंड्री को देखते ही समझ जाता है कि ये रॉबर्ट का ही नाजायज बेटा है। पुजारन गेंड्री को नहाने भेज देती है और खुद भी वहां से चली जाती है। स्टेनिस फिर सर डेवोस के पास जाता है। सर डेवोस उस टाइम बुक पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये वही बुक रहती है जो उन्हें स्टेनिस की बेटी से मिली। स्टेनिस सर डेवोस को बताता है कि वो पुजारन रॉबर्ट के नाजायज बेटे को लेके आई है और ये लोग अब उसकी बलि देने वाले हैं। ये सुनते ही डेवोस स्टेनिस को ऐसा करने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि वो आपके बड़े भाई का सबसे बड़ा बेटा है, उसके अंदर आपका खून है। तब स्टेनिस रेनली का एग्जाम्पल देता है और कहता है कि वो भी मेरा भाई था, उसके अंदर भी मेरा खून था, लेकिन फिर भी मैंने उसे मरवाया ना। अब ये सुनके डेवोस कहते हैं कि उसकी बात अलग थी, उसने आपके खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन गेंड्री ने आपका क्या बिगाड़ा है। लेकिन स्टेनिस डेवोस की बात नहीं सुनता, लेकिन वो उसको आजाद जरूर कर देता है। गेंड्री नहा धो के पूरा रेडी हो जाता है और तभी उसके रूम में रेड वुमन आती है और उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है। जैसे ही गेंड्री बेचारे को थोड़ा सा मजा आने लगता है, वो जैसे ही थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है, तो रेड वुमन उसको बेड से बांध देती है और उसके ऊपर लीच छोड़ देती है। ये लीच उसका खून चूस लेती है। तभी वहां सर डेवोस और स्टेनिस आते हैं। रेड वुमन उस लीच को स्टेनिस को देती है और स्टेनिस एक एक करके उनको आग में डाल देता है। वो रॉब स्टार्क, बेलन ग्रेजॉय और जोफरी बेराथियन का नाम लेता है और कहता है कि इन तीनों को खत्म कर दिया जाए। ये स्टेनिस सही में मतलब कितना काला जादू करेगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो वहीं किंग्स लैंडिंग में टेरियन और सांसा की शादी रहती है, तो टेरियन खुद सांसा को लेने आता है और बिल्कुल एक रोमांटिक कपल की तरह दोनों साथ में जाने लगते हैं। सब लोग वहां एक मैरिज हॉल में इकट्ठा होते हैं। वहाँ माजरी सरसी के पास आती है और वो उसको अपनी बहन बोलती है। तो इस बात से पता नहीं, लेकिन सरसी को बहुत जोर से आग लगती है और वो पहले तो माजरी को एक बहुत ही पुराना किस्सा सुनाती है जब लेनिस्टर्स ने पूरे वेस्टरोस में सेकंड नंबर की जो वेल्थीएस्ट फैमिली थी उनको एक बार मार दिया था। और फिर अपनी कहानी पूरी हो जाने के बाद वो माजरी से कहती है कि अगर अगली बार मुझे बहन बुलाया तो नींद में तुम्हारा गला घोट के तुम्हें मार दूंगी। ये सुनके बेचारी माजरी का मुंह छोटा हो जाता है।
तभी वहाँ सांसा की एंट्री होती है और उसको गेट में जॉफरी मिल जाता है और वो उसको थोड़ा परेशान करता है और फिर टीरियन और सांसा की शादी हो जाती है। शादी की रस्म के बाद वो लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। टीरियन वहाँ बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है और अलग ही नशे में रहता है। ये देखकर उसके पापा टाइविन लैनिस्टर उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें जो भी करना है करो, पर जल्दी से एक बच्चा पैदा करो। अब वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर जस्ट इन केस रॉब स्टार्क मर गया तो सांसा और टीरियन का जो बेटा होगा वही विंटरफेल का आने वाला लॉर्ड बनेगा। तो अब सांसा भी इस पूरे माहौल से बोर हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते समय जॉफरी उसको पकड़ लेता है और सुहागरात वाली रस्म के लिए फोर्स करता है। जॉफरी सांसा से थोड़ी सी बदतमीजी कर रहा था, तभी टीरियन उस पर तेज हो जाता है और उसको नशे में अंट बंट संट बोल देता है। पर तभी टाइविन वहाँ आकर मैटर संभाल लेता है और टीरियन जॉफरी को सॉरी भी बोल देता है और सांसा के साथ अपने रूम में चला जाता है। रूम में आते ही सांसा अपने कपड़े उतारने लगती है, पर तब टीरियन उससे उसकी एज पूछता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि सांसा अभी महज 14 साल की है। तो ये सुन के टीरियन उसके साथ कुछ भी नहीं करता, वो उससे कहता है कि जब तक आप कुछ भी ना करना चाहो मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करूँगा। वाह भाई यार, व्हाट अ जेंटलमैन। और आजकल के लोग तो शेष सुबह सुबह इन लोगों के रूम में आती है इन लोगों की बेडशीट चेंज करने और रूम को साफ करने, और तभी वो बेडशीट पे देखती है कि खून वगैरह नहीं लगा है। बोले तो इन लोगों ने कल रात को कुछ भी नहीं किया है। वहीं दीवार के दूसरी साइड सैम और किली चलते चलते एक जगह शेल्टर ले लेते हैं। यहीं पर ये लोग अपनी रात गुजारने का प्लान बनाते हैं। यहाँ पर गिली सैम से डिस्कस करती है कि आखिर वो अपने बेटे का क्या नाम रखेगी, और तभी बाहर बहुत सारे कौओं की आवाज आने लगती है। जब सैम बाहर जाकर देखता है तो वो देखता है कि बाहर तो एक वाइट वॉकर है जो कि गिली के बेटे को अपने लिए लेने आया है। अब सैम उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो वाइट वॉकर है वो सैम की तलवार को महज छू के ही तोड़ देता है। और सैम के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचता, उसके पास और कोई वेपन भी नहीं रहता, तो उसके पास जो एक ड्रैगन ग्लास है वो उससे इस वाइट वॉकर पर अटैक करता है और इसी चीज से ये वाइट वॉकर मारा जाता है और फिर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। अब यार यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दूर से सैम भले कैसा मोटा भद्दा जैसा भी लगे, बट यार इस बंदे में दम तो है, क्योंकि यार बिल्कुल अकेले में एक वाइट वॉकर से भिड़ने के लिए सिर्फ उसके सामने तलवार उठाकर जाने के लिए भी ना गट्स होने चाहिए कसम से। अरे 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 एक मिनट। तो वैसे ये बात अगले एपिसोड में वैसे किसी काम की है नहीं, बट याद है ना सर्सी ने मार्जरे को वो कहानी बताई थी कि कैसे लेनिस्टर्स ने वेस्टरोस के दूसरे सबसे बड़ी फैमिली को उड़ा दिया था। तो यार कहानी कुछ ऐसी थी कि हाउस रेन नाम का एक घराना था जो कि लेनिस्टर्स के अंदर आता था। वो लोग धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा अमीर बन गए, तो उन लोगों ने फाइनली अपने लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर के खिलाफ बगावत कर दी। और टाइविन लैनिस्टर ने इस बगावत के लिए एक एक रेन को काट डाला, प्लीज नोट मारा नहीं बल्कि एक एक बच्चे तक को काट डाला। और इसी दर्दनाक किस्से पे एक गाना भी बना है, द रेन्स ऑफ कास्टम है, और इसी किस्से और इसी गाने का रेफरेंस अगले एपिसोड में भी आएगा, और जब वो आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।